बीते दिन तो जो दलजीत राजू देहाती प्रधान है फगवाड़ा कांग्रेस को भी अपना पूरी जिम्मेवारी निभा रहे। बिल्कुल जेकर आपां केंद्र सरकार की गल करिए अपनी जगह लगी हुई है, पंजाब सरकार अपनी जगह लगी हुई है। ज्यादातर यह भी देखने मिले आप जो लड़ी लुड़ी जाते हैं, कोई कह रहा भी केंद्र नहीं कर रही, केंद्र वाले कहते पंजाब में कराना नहीं आता, ओपोजिशन कहती है कैप्टन नहीं करना आता, पर इस वेल लोड़ तो यह कट्ठे होकर लड़ाई लड़ सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीते दिन लाइव हुए थे फेसबुक पर, उन्होंने साफ साफ यह गल कही थी कि पिंडां वल करोना बढ़ना शुरू हो गया, इसनों रोकया जाना चाहिए आ, उन्होंने संकेत दिए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जेकर लोग साथ देंगे तो वह ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे, पर जेकर लोगों ने साथ नहीं दिता तो वह ज्यादा सख्ती करेंगे। फगवाड़ा शहरी इलाकों की गल करिए ये भी काफ़ी एरियाज है जेडे काफ़ी जोड़ा कि करोना वाधा जा रहा है। शहरी इलाकों के 28 लोगों की मौत हो चुकी है करोना के कारण। जेकर थानू कोई भी समस्या आती हैगी कोविड के संबंध में करोना के संबंध में थोड़े कोई आंढ़ गुआंढ़ करोना पॉजिटिव हैगा, वो कोई ठीक नहीं हैगा, फगवाड़ा शहर की गल कर रहे हैं तो उन्होंने कोई हैल्प नहीं कर रहा, तो तुम जो कोविड हैल्प सेंटर है जिसे दलजीत राजू अहम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सरदार जोगिंदर सिंह मान फगवाड़ा तो है। सांस जी भी देख रहे हैं, सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ नितिन बग्गा और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के जो पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचा रखी है जिसने, और हमारे साथ इस चीज़ पर पैनी निगाह बनाए बैठे हैं हरदीप सिंह तक्कर जी, उनसे जानते हैं इसके बारे में कि फवाड़ा में कैसे हालात हैं, क्या क्या सूरत पंजाब सरकार या केंद्र सरकार दे रही है। तो तक्कर जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जेकर आप फगवाड़ा शहर की या फगवाड़े हल्के की गल करते हैं तो फगवाड़ा के बच्चे जोड़े करोना लैके हालात बड़े नाजुक है, बेहद ख़राब है। मैं एक अखबार की रिपोर्ट पढ़ रहा सी, होर भी साड़िया गल्लां बातां चल रही जिस विच रिपोर्ट छपी हुई है बई जिहड़ा फगवाड़ा दे विच 54 लोगों की मौत हो चुकी आ, 54 लोगों की मौत हो चुकी आ करोना दे नाल, जिहड़ा कि अजे भी यह दौर चल रहा शहरी खेत्रां दे विच 1.5 महीने दे विच 29 लोग करोना पॉजिटिव होण बाद उन्हां दी मौत होई हैगी आ। सो कहण तो भाव इन्ना क ज़्यादा खतरा फगवाड़ा दे विच बनिया होया आ, प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, बार बार जाके बेनती कर रहा लोगों को भी तुम संभल जाओ, तुम अपने घर रहो, तुम सोशल डिस्टेंस रखो, तुम अपने बिना लोड़ तो कि ना जाओ, पर लोग नहीं समझ रहे, लोग समझ नहीं रहे, जिस करके हालात बद तो बदतर होंगे जा रहे हैं। जेकर मैं आह एक रिपोर्ट के हिसाब न थानू दसा तो जेड़े फगवाड़ा दे 17 पिंड आ जिन्हां विच पलाही पिंड, बहानी, अठौली, पांस्टा, खेड़ा, चाचौकी, गंढवा, बी टंडोली, नरंग शाहपुर, ढक पंडोरी, कलवाड़ा, भुला राई, सानी, रामगढ़, जमालपुर, बेगमपुरा दे नाल नाल जिहड़े के होर भी कई पिंड इहदे नाल आए हुए आ चपेट दे विच। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीते दिन लाइव हुए सीगे फेसबुक पर, उन्होंने साफ साफ यह गल कही सी कि पिंडां वल करोना बढ़ना शुरू हो गया आ, इसनों रोकया जाना चाहिए आ, उन्होंने संकेत दिए सी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा सी भी जेकर लोग साथ देंगे तो वह ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे, पर जेकर लोगों ने साथ नहीं दिता तो वह ज्यादा सख्ती करेंगे, तो लोगों भी तंगी परेशानी का सामना करना पवेगा। सो सानू यही आ भी मौजूदा हालात जिदा रह गए वह नजिठना चाहिए। जे आप फगवाड़ा के शहरी इलाकों की गल करिए ये भी काफ़ी एरियाज है जेडे काफ़ी जोड़ा कि करोना वाधा जा रहा है, शहरी इलाकों के 28 लोगों की मौत हो चुकी है करोना के करके। सर इसके बारे में आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या केंद्र सरकार या रियासत सरकार कोई इसमें कोई आपको कुछ इसमें बारे में कुछ मिला है कि हाँ भाई कोई इसकी हेल्प कर रहा है, हमारे सेहत मंत्री हो गए या कैप्टन सिंह ने कह दिया कि हाँ भाई ये चीज़ ठीकरी पहले लगा दो या कुछ कर लो अपनी से अपनी जो है वो आपने खुद करनी है? बिल्कुल, जेकर आप केंद्र सरकार की गल करिए अपनी जगह लगी हुई है, पंजाब सरकार अपनी जगह लगी हुई है, ज़्यादातर यह भी देखने मिले आप जो लड़ी लुड़ी जाते हैं, कोई कह रहा भी केंद्र नहीं कर रही, केंद्र वाले कहते पंजाब में चलाना नहीं आता, ओपोजिशन कहती है भी कैप्टन नहीं करना आता, पर इस वेल लोड़ तो यह भी कट्ठे होकर लड़ाई लड़न की। हुण आप फगवाड़ा की गल की सी, फगवाड़ा के कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों, सुनील जाखड़ वालों जी कोविड दीमा बनाई गई जिदे पंजाब एग्रो कारपोरेशन के चेयरमैन
सरदार जोगिंदर सिंह मान हैगे उन्होंने नाल दलजीत राजू हैगे आ इन्हों दलजीत राजू ने भी वड्डी जिम्मेवारी जाखड़ साहब ने दी है जिला जलंधर जिला कपूरथला दे विच सॉरी जिला कपूरथला दे विच कोआर्डीनेटर बने हुए आ तनदेही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तुम वेख सकते हो सोशल मीडिया से साडे नाल भी इंटरव्यू हुई उत्थे भी दस्सिया जिथे फोन कॉल्स आउंदी हैगी आ उत्थे जाके वो ड्यूटी करते हुण आपां जिहड़े पंजाब एग्रो फूड के चेयरमैन है जोगिंदर सिंह मान जिन्हां दा अज बहुत वड्डा बयान लगा आ उन्होंने कहा आ बई उन्होंने सेहत मंत्री दे नाल गलबात की आते वो चिंतित हैगे आ हुण असीं जोगिंदर सिंह मान जी दे नाल गलबात करते हैं। मान साहब सत श्री अकाल जी। किदां मान साहब ठीक ठाक हो सेहतां ठीक है जी ड्यूटियां निभा रहे हो किदां दे हालात हैगे फगवाड़ा दे विच ते इक तुहाडा बयान लगा अखबार दे विच जिस विच तुसीं दस्सिया वी तुहाडी सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू नाल गलबात हुई आ उह की गलबात हुई सी तुहाडी उहदे बारे मैनूं इनफॉर्मेशन आई सी जिहड़े पिंडां दे विच 300 समथिंग 350 टेस्ट हुंदा मैं रात समझा भी 350 टैसट के नाल कन्नवे पिंड है जे आप डिवीजन करके देखिए तो टू टाइम टू मच टाइम लगता है वो यदि फास्टिंग जी फास्ट करो वो ही एग्रीड कि मैं इनू कर देना। दूजा कोविड बारे इंजैक्शन बारे गल हुई सी वो इंजैक्शन बारे जी जी फगवाड़े की हालात हैगी है जी मैं राजू कोऑर्डिनेट कर रहा जरा जी बहुत सारे जो प्रवासी अपन बस्तियां है उसकी ज्यादा पिछड़ा है मेरे अंदाजे नाल जो पिछले बारी पिछले हफ्ते मैं यदा सर्व किया 100 के करीब से 150-200 के करीब जो पेशेंट है घर के एकांतवास हुए हुए हैं उन्होंने उत्थे जिहड़ियां किट्स जिहड़ियां डिलीवर कर रहे हैं जी बंदे जिहड़े है चंडीगढ़ फोन करते हैं जी चंडीगढ़ फोन करके उत्थों असी जा असी उन्होंने मैसेज लिखा देने भी फलाना फलान पीस जिहड़ा इस तरह बीमार है जी वो फिर सानू उत्थों फोन आता है कि तुसीं इस बंदे नूं जाके जिहड़ी उह किट दी गया ਜੀ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫਵਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫਵਾੜੇ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ ਉਹ ਨਿਊ ਪਰਸੋ ਚੌਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 65 ਕਿੱਟਾਂ ਸੀ 5 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ
चीज राजू थोड़े सामने जा जा किस्सा उन्हें काम किया सारे देख रहे हो कि इस वे मैं ये कह दिया कि पंजाब के जी फगवाड़ा बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन सरदार जोगिंदर सिंह मान जिन्होंने आप हम फोन से गल की है इन्हों जो कि अगे लाया हुआ सुनील जाखड़ जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते दिनों तो जोड़े दलजीत राजू देहाती प्रधान है फगवाड़ा कांग्रेस वो भी अपना पूरी जिम्मेवारी निभा रहे। सो कह तो भाव यह है जिते फगवाड़े के समाजिक जथेबंदियां धार्मिक जथेबंदियां अपना काम वधिया तरीके दे नाल निभा रहे हैगे आ उत्थे तुहानू भी अगे आउण दी लोड़ हैगी लोकां नू आपो अपना जिहड़ा कि फर्ज पहचान के अपना कवर करना चाहिए। दूजे पासे जेकर थानू कोई भी समस्या आउंदी हैगी आ कोविड दे संबंध विच करोना दे संबंध विच तुहाडे कोई आंढ गुआंढ दे विच करोना पॉजिटिव हैगा वह कोई ठीक नहीं हैगा फगवाड़ा शहर की गल कर रहे हां ते उहनू कोई हैल्प नहीं कर रहा तो तुसी जिहड़ा कोविड हैल्प सेंटर है जिहदे विच दलजीत राजू अहम अपनी ड्यूटी निभा रहे आ सरदार जोगिंदर सिंह मान फगवाड़ा तो हैगे आ इहदे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह सुनील जाखड़ ते सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू दे दिशा निर्देशों हेठ यह जी कि टीम काम कर रही है। ये मैं थोड़ा टैलीफोन नंबर दसन जा रहा जिस फतेह किट मिलेगी तो जोड़े मात्रड़ साथी है जोड़े काम नहीं कर सकते जिन्हों को काम कार का साधन नहीं रहा उन्होंने राशन किटा भी मिल सकती जोड़ा नंबर है 9191 27102 दूजा नंबर है 9191 58 100 100 तीजा नंबर है 9151 59100 ये तीन नंबर जारी किए गए इन्होंने नंबर से फोन कर सकन जेकर लोग इन्होंने नंबर से फोन करे तो उन्होंने यह जो कि फायदा होगा तो ये खुद जाके उन्होंने कर सकते हैं जरा देखभाल कर सकते उन्होंने तो हालात बड़े माड़े आ लोगों समझ की लड़ हैगी। ये थे हमारे साथ हरदीप सिंह तगड़ जी जिन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी फतेह किट्स के बारे में बताया और नंबरों के बारे में बताया। हम भी ये चाहते हैं कि आप घर पर रहें सुरक्षित रहें। कैमरामैन जस्टिस सैनी के साथ नितिन बग्गा सांस टीवी फगवाड़ा। दुख तो ना घबराओ सानू फोन लगाओ गुरु अजमेरी बाबा जी। MBA करने तो बाद नौकरी के लिए मैं इधर उधर बहुत अके हाँ पर मेरी कित भी कोई गल नहीं बनी। फिर एक दिन मैं मेरे यार दोस्त ने बाबा जी बारे दसा फिर की फिर मैं बाबा जी को ले गया। बाबा जी की ऐसी मेहर उन्होंने तो मेरी अखा ही खोल दी। अज देखो मैं नौकरी नहीं अपना बिजनेस कर रहा। धन्यवाद बाबा जी। काले इलम नाल कुछ घंटियां ही समाधान गारंटी दे नाल हर इलम दे माहिर। मैं अपनी लंबी जिंदगी लेके बहुत परेशान सी बहुत जगह जगह घूमी पर कोई समाधान नहीं मिलिया। फिर मेरे किसी ने बाबा जी दे बारे दस्या। मैं बाबा जी दे दरबार गई। बाबा जी ने तो कुछ घंटिया विच ही मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिता। मेरा विआह उथे पक्का हो गया जिथे मैं चाहती सी। मैं दिलों धन्यवाद करती हाँ बाबा जी। जिस तरह नौकरी कारोबार विदेश यात्रा ग्रह क्लेश लाभ मेजर समस्या जादू टोना कीता कराया सौंकन दुश्मन का सर्वनाश करवाओ वो भी घर बैठे वशीकरण मुटकरनी दे सुपर स्पेशलिस्ट। मेरा हमेशा घर विच लड़ाई झगड़ा चलता रहिंदा सी। मेरी घरवाली सोचती सी कि मेरा किसी होर नाल चक्कर चल रहा है। मैं बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन मैं बाबा जी के दरबार चला गया तो बाबा जी ने मैं छोटा जिहा उपाय दसिया। उस उपाय दे नाल मेरी जिंदगी खुशहाल रहन लगी। धन्यवाद बाबा जी। अज ही मिलो गुरु अजमेरी बाबा जी नूं जिन्हां दा मोबाइल नंबर है 9815460154 लुधियाना।